हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 2 को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 लर्न की थी। एक्सरसाइज 2.2 के 5 सम थे जो मैंने आपको कराए थे। अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं आपको PDF है वो भेज दूंगा, ताकि आप भी हार्ड कॉपी में देख सकते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, ठीक है। हमारे जो 3 इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव मीन्स क्या कि वो लाइन में होने चाहिए, यानी 1, 2, 3, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम गेस कर लेते हैं, ठीक है। गेस में क्या करेंगे कि मान लीजिए कि लेट यहाँ पे कोई एक है, वो है एक्स, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर उसमें एक और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। यानी सिर्फ हमने ये गेस किया है। फिर हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में लिखा है एड अप, हमें उसका क्या करना है, एडिशन करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे x+x+1+x+2=51। 51 क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, तो 3x हो गए, ठीक है। फिर 2 और प्लस क्या हो गया, 2+1=3, 51 माइनस 3 यानी 48, और x=16। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो x=16 वो हमें इन तीनों में, हमें यहाँ पे x की जगह पुट हमें मुक देना है, ठीक है। वो वैल्यू हमें वहाँ पे इनपुट करनी है। तो यहाँ पे x=16, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे तो 16+1, यहाँ पे 16+2। तो हमारी जो तीनों नंबर की वैल्यू है वो है 16, 17 और 18। बहुत ही इजी एग्जांपल है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं ना, ठीक है, वो 8 के मल्टीपल में होने चाहिए। यानी हम क्या करेंगे कि जो भी हम वैल्यू लेंगे ना, हम उसमें 8 ही ऐड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें एक वैल्यू लेते हैं x, फिर दूसरी वैल्यू लेते हैं, तो हम उसमें 8 ऐड करेंगे, ठीक है। जो 8 अगर हम ऐड करेंगे तो वो 8 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा उसमें भी 8 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी वैल्यू x+16। तो यहाँ पे x+8 x+16, और उसका जो टोटल है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 888। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक x, दूसरा x और तीसरा x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x+24, ठीक है। फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 24 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस, 888 में से 24 अगर हम निकलेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 864, और उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288। अब हमें क्या करना है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे 288 लिखेंगे, यहाँ पे भी 288, फिर उसमें प्लस 8 कर देंगे, फिर यहाँ पे 28 और प्लस 16 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। बहुत ही इजी एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देखिए, सभी में सेम फॉर्मूला है, ठीक है। आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर n मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और वो भी
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम क्या लेंगे, जो वैल्यू है एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, अब हमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिया है, ठीक है। अब हमें जो हमारी जो तीनों वैल्यू है हमें उसको रिस्पेक्टिवली कहा है, ठीक है। इसलिए हम एक्स को टू के साथ डिवाइड करेंगे, थ्री को एक्स प्लस वन के साथ सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉट डिवाइड, और फोर को करेंगे एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टू एक्स है, फिर यहाँ हमने थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ हमने फोर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब हमें उन सभी का क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आया, 74, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सभी एडिशन करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4x यानी आंसर में आएगा 9x, फिर 3 प्लस 8 तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 11, फिर यहाँ पे 74, यहाँ पे 74, फिर 11 यहाँ पे आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 63, और 63 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। यहाँ पे जो 7 वैल्यू है वो हमें कहाँ मुकनी है, ठीक है, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, हमने जो गेस किया है इसमें 2x 3x प्लस 1 और 4x प्लस 2, वहाँ पे जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 7 लिखेंगे, तो फिर उसको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। द एजिस ऑफ राहुल एंड हेरोन आर इन द रेशियो 5:7, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजिस विल बी 56 years, वॉट आर द प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो रेशियो दिया गया है राहुल और हेरोन का वो क्या है, 5:7, ठीक है। तो मान लीजिए हम गेस कर लेते हैं कि उनकी जो एज है प्रेजेंट एज वो होगी 5x और 7x, यहाँ पे रेशियो है 5:7, हम गेस कर लेते हैं कि 5x और 7x है, x को तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहाँ गए, 4 years लेटर यानी 4 साल बाद, तो हम दोनों में प्लस चार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हम प्लस फोर ऐड कर देंगे तो अब क्या कहें कि उसका सम करना है, देखिए यहाँ पे उसका सम करना है और आंसर में क्या है, 56 years, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे 5x प्लस 4, 7x प्लस 4 और उसका एडिशन क्या है, 56, ठीक है। यहाँ पे 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 को यहाँ पे इस ओर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर 56 माइनस 8 तो आंसर आएगा 48, और 48 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 4, ठीक है। फिर ये जो x की वैल्यू है वो हमें राहुल और हेरोन में हमें सिर्फ वो इक्वेशन में हमें लिखनी है x की जगह, तो हमें आंसर में मिल जाएगा उसकी एज 20 और 28, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, बाईचंग्स फादर, आपको टेक्स्ट बुक में भरत लिखा गया है, ठीक है, नाम में कोई भी चलेगा। बाईचंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 years ओल्डर देन बाईचंग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें बाईचंग की जो एज है वो हमें गेस करनी है, ठीक है। तो वो हम गेस कर लेते हैं कि बाईचंग की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, 1 years। अब उसके फादर की एज, ठीक है, उसके फादर की एज है वो है 26 years, तो हम क्या करेंगे कि फादर की एज तो बाईचंग से बड़ी ही होगी, ठीक है, तो हम उसमें 26 years ऐड कर देंगे, 26 years यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 years ओल्डर देन बाईचंग्स। तो उसके जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, उसकी एज x प्लस 29 तो है, और साथ में हमें क्या कहे गए कि और 29 years ओल्डर देन बाईचंग्स, जो उसकी फादर की जो एज है उसमें भी हमें उसकी ग्रैंड फादर की एज है वो 29 years यंगर है, तो हमें यहाँ पे 29 years है वो भी हमें ऐड करना है, ठीक है। द सम ऑफ द एज ऑल द थ्री इज 135।
अब यहाँ पे हमें तीनों की एज का क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स प्लस 29 और एक्स प्लस 29 प्लस 26 इस तीनों एज का एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 17। आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से लर्न कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ पे जो x इज इक्वल टू आंसर 17 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो x x x की वैल्यू है वहाँ हम लिखेंगे 17 17 17, और हमारा तीनों का आंसर है वो हमें मिल जाएगा कि किसकी एज कौन सी है, ठीक है। अब नाउ अब हम देखते हैं 12th एग्जांपल। 15 years from now, रवि's एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। अब सबसे पहले हम क्या करते कि मान लीजिए कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स ईयर्स, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे क्या गए 15 years from now, तो 15 years from now तो यानी 15 years में वो हमें ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे x प्लस 15। अब हम आगे बढ़ते हैं, रवि's एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। अब उसकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो 4 times है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 15 इक्वल टू 4x, 4x माइनस एक्स, तो यहाँ पे आंसर में मिलेगा 3x, 15 upon 3, तो हमें आंसर में मिलेगा 5। तो रवि की एज क्या होगी, 5 years, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5 upon 2 एंड एड 2 upon 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7 upon 12, व्हाट इज द नंबर। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कोई एक नंबर है जिसको इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर ये आएगा। तो हम देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि वो नंबर क्या है, x है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है, फिर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 के साथ, तो 5/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 upon 2x। अब उसमें 2/3 ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +2/3, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, -7/12, तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो गया और -7/12। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 2/3 है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा -5/12, ठीक है। तो 5/2 है वो हम इस और साइड ले जाएंगे, तो -15/12, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और 5, तो आंसर में मिलेगा -1/2, और आंसर आ जाएगा हमारा -1/2। अब यहाँ पे है नेक्स्ट एग्जांपल, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 और 10, ठीक है, और द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट, वो जो नोट 100 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की और 10 रुपीज़ की जो नोट है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें रेशियो में दिया गया है 2:3:5, और द टोटल कैश लक्ष्मी इज 4 lakhs, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, तो उसके पास कितनी कितनी नोट थी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें रेशियो है 2:3:5, तो हम उसको लेंगे कि 100 की जो नोट है वो 2x होगी, 50 की जो नोट है वो 3x और 100 की जो नोट है वो 5x। हम लाइन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 100 रुपीज़ की 2x नोट है, ठीक है, तो उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 के साथ 3x और 10 के साथ 5x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर में हमें मिलेगा 200x, 150x और 50x। अब जो टोटल वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो वैल्यू है वो हमें कहा गया है
कि इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 4 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 400x, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो यहाँ पे 400 है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, और अगर हम कट करेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में आएगा 1000, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ पे x है वहीं पे हम 1000 लिखेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा कि 100 रुपीस की नोट कितनी है, 50 की कितनी है और 10 की कितनी है। आई हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीस इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ विच डिनोमिनेशन आर विथ मी। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम यहाँ पे इजी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले